Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who have. चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले मैं काइनमास्टर ओपन कर चुका हूँ और मैं गेम प्ले ले चुका हूँ आप लोगों के सामने। ये देखिए क्या करूँगा, पहले इसका स्पीड पहले सेटिंग्स ठीक करूँगा। स्पीड रखूँगा मैं 0.25 तक हर एक गेम टिप का 0.25 और इसका भी रखूँगा 0.25 स्पीड में सब हो गया है हमारा वीडियो। ये देखिए आप देख पाएंगे 0.25 में हो रहा है, स्पीड हमारा 0.25 है वीडियो का। अब मैं एक जगह कट लूँगा, आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर कट लूँगा जब मैं बंदे को मारना हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं ये कट लूँगा, पहला वाला कट यहाँ पर लूँगा। स्पीड एट प्लेट सेकंड क्लिक तो अभी मैं कट लूँगा, कहाँ पर लूँगा मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर लूँगा सेकंड क्लिप का मैं कट, लीटर के हेड, और थर्ड क्लिप का भी मैं दिखा देता हूँ। थर्ड क्लिप का लूँगा यहाँ पर दोस्तों, लीटर प्ले हेड। अब मैं वीडियो के इस वाले क्लिप का स्पीड रखूँगा 1, इसका 0.25 सही है। इस वाले क्लिप का स्पीड रखूँगा फिर से 1 और इस वाले क्लिप का स्पीड रखूँगा 1। वीडियो स्पीड में और छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा अभी हमें। ये 1, ये 0.25, ये 1, फिर से 0.25, ये 1, फिर से 0.25। अब मैं गाना सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाना सिलेक्ट करते हैं पहले ऑडियो वाले सेक्शन में जाने के बाद, एल्बम, फिर क्रीम में करके रखा हूँ, उसके बाद ये वाला गाना मैं सिलेक्ट करूँगा। दोस्तों मैं यहाँ पर 3 मार्कर लगवाऊंगा, जहाँ पर मैं बंदे को मारूंगा वहीं पर मैं बीट ऐड करूंगा, अलग से मैं गन साउंड ऐड नहीं करूंगा। तो कहाँ कहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक ऐड कर रहा हूँ, ऐसे रफली कर रहा हूँ ताकि मुझे बीट साउंड ऐड करने में थोड़ा आसानी हो जाए। और एक जगह है, और एक जगह यहाँ पर ऐड करूँगा। यहाँ पर और एक ऐड कर रहा हूँ, और एक होगा। यहाँ पर और एक ऐड कर रहा हूँ। अब मैं दोस्तों बंदे को जब मैं मारूंगा वहीं पर ही ये बीट साउंड ऐड करूंगा। कैसे ऐड करूंगा मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो बीट है इसको मैं सामने से ट्रिम कर लेता हूँ, थोड़ा कट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर चला गया है। Kids screaming in the cradles, profanities. अब इस जगह को मुझे उतना नहीं चाहिए इसलिए मैं ट्रिम कर देता हूँ फिर से। ये देखिए अभी दूसरा वाला बीट साउंड में ऐड करूँगा। ये देखिए दूसरा वाला बीट साउंड भी ऐड हो चुका है। आखिरी वाला मैं ऐड करूँगा, इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेता हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रिम कर लेता हूँ।
थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, देख लेते हैं हमारा बीट साइन कैसे ऐड हुआ है। हर बीट में मैं नहीं ऐड किया हूँ, कुछ चॉइस किए गए बीट में मैं ऐड किया हूँ। अब मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक के बारे में बताना होगा, जिस ट्रिक की मदद से आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्लियर इफेक्ट दिखा सकते हैं। पहले इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद ट्रांजेक्शन थ्री ट्रांजेक्शन ऑप्शन में जाना पड़ेगा, इसके बाद इस वाले ऑप्शन में जाइए, थर्ड जो ऑप्शन है इसको क्लिक कीजिए। ये देखिए अब हमारा जो किल इफेक्ट हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर और एक बंदे ने मुझे मारा था, तो जो भी हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर तीसरा वाला जो इफेक्ट है वही लूँगा। अब देखिए कैसा लग रहा है, ये देखिए दोस्तों। आखिरी वाला जो है यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है क्योंकि ये ऐड किया हूँ इसीलिए। बीट को सही जगह रख दिया हूँ, अब मैं ऐड करूँगा ट्रांजेक्शन फिर से। इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद पहले वाला ऑप्शन देखना दोस्तों कैसे दिखाएगा, ये देखिए दोस्तों। अब मैं आपको फ्लिकर इफेक्ट ऐड करके दिखाता हूँ, हर एक बीट में हर एक इफेक्ट ऐड होगा, मतलब फ्लिक इफेक्ट दिखा देता हूँ। फ्लिकर इफेक्ट ये देखिए, यहाँ पर जो बजा है बीट, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा मीडिया में जाने के बाद सिंपली ब्लैक वाला बैकग्राउंड, इसको पूरा कर देता हूँ, मतलब स्क्रीन कवर कर देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ एकदम। दिखा देता हूँ कैसा लगेगा, जहाँ जहाँ बीट होगा वहीं वहीं पर ये जो ब्लैक स्क्रीन है मैं ऐड करूँगा, आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे ऐड करूँगा। इसको मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस में जाने के बाद फिर से ऐड करूँगा, जहाँ जहाँ बीट बजेगा वहीं वहीं पर ऐड करूँगा मैं। यहाँ पर बीट है, ये देखिए, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा फिर से, फिर से डुप्लिकेट कर लेता हूँ मैं। इसको भी मैं डुप्लिकेट कर देता हूँ, फिर से और एक डुप्लिकेट। इस तरह करते जाइए, जहाँ जहाँ पर आपका जो बीट आएगा वहाँ वहाँ पर आप करते जाइए, फिर देखते हैं कहाँ बीट है। यहाँ बीट है, यहाँ पर फिर से ऐड करूँगा, फिर से यहाँ पर जाने के बाद डुप्लिकेट लेयर, देख लेते हैं कहाँ है। अरे यहाँ ऐड किया था ना, यहाँ बीट है, तो यहाँ पर और दो तीन ऐड कर देता हूँ मैं। इसी तरह से मैं फ्लिकर इफेक्ट ऐड करूँगा दोस्तों, यहाँ पर और एक जगह पर ऐड करना होगा। सिंपल इस तरीके से आप आपके पूरा वीडियो में जहाँ जहाँ भी बीट होगा वहाँ ये फ्लिकर इफेक्ट ऐड कीजिए, तो वीडियो आपका शानदार लगेगा।
मैं यहाँ पर हर जगह फ्लिकर इफेक्ट ऐड कर दिया हूँ, जहाँ जहाँ बीट होगा गाने में दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, हो गया है हमारा फ्लिकर इफेक्ट। अब मैं कुछ प्रीसेट ऐड करूँगा जिससे आपका जो मॉन्टेज है वो थोड़ा ग्लो करे। पहले तो मैं कलर फिल्टर ऑप्शन में आने के बाद इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, और फिर कलर एडजस्टमेंट में आने के बाद इसको इस दोनों को फुल कर लेता हूँ। मैं प्रीसेट ऐड करूँगा, लेयर में जाने के बाद सिंपली मीडिया जाने के बाद डाउनलोड, उसके बाद में इस वाले प्रीसेट को मैं ले लेता हूँ। इसका सेटिंग्स होगा ब्लेंडिंग वाले जाने के बाद, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद मल्टीपल और अराउंड 60% 65% तक। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक ओवरले ऐड करूँगा। कहाँ ऐड कर रहा हूँ मैं दिखा देता हूँ। जहाँ पर बंदा स्कोपिंग करेगा, मतलब यहाँ पर एक वेलोसिटी इफेक्ट दिखाने के लिए सिंपली इफेक्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद रेडियल ब्लर इसको पूरा पूरा कर दीजिए, पूरा फिल कर दीजिए। स्किन का सेटिंग्स आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। ये देखिए, अब देखिए कैसा दिखा रहा है हमारा वेलोसिटी इफेक्ट। ये देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा वेलोसिटी इफेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पर भी मैं इफेक्ट ऐड करूँगा, वो वाला इफेक्ट। सिंपली बैकग्राउंड में जाने के, सॉरी बैकग्राउंड नहीं, सिंपली इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाने के बाद रेडियल ब्लर को फिर से फुल कर लेता हूँ, और इसका सेटिंग्स थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ एक वेलोसिटी इफेक्ट ऐड हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, प्रीसेट वगैरह एक एक करके दिखाने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूँ प्रीसेट ऐड करके। दोस्तों, सब प्रीसेट मैं ऐड कर चुका हूँ, और इस प्रीसेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। अलग अलग करके करने से बहुत टाइम लग जाता। अगर इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों से शेयर कर देना।